विद्युत खंभे चोरी के 6 महीने से फरार 5 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संपत उपाध्याय व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पी एल कुर्बे के निर्देशन में व श्रीमान एसडीओपी महोदय अनुभाग विजयपुर श्री वीरेंद्र सिंह कुशवाहा के मार्गदर्शन में आज दिनांक को थाना रघुनाथपुर के अपराध क्रमांक 75/19 धारा 379 व 136 विद्युत अधिनियम में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। दिनांक 22 नवंबर 2019 को फरियादी संजय आजाद एआरओ विद्युत मंडल रघुनाथपुर ने लिखित रिपोर्ट की थी कि टर्रा कला फीडर के पास शासकीय बिजली के खंभे रखे थे, जिनमें से 6 खंभे कोई अज्ञात चोर 21 नवम्बर की मध्य रात्रि को चुरा कर ले गए हैं, जिसमें ग्राम भुतकच्छा के जगमोहन रावत व उसके साथियों पर संदेह व्यक्त किया गया था। उक्त प्रकरण में कुल 7 आरोपियों के द्वारा ट्रैक्टर से घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाकी के 5 आरोपी क्रमशः ओम प्रकाश रावत, अरविंद रावत, विकास रावत, सियाराम रावत निवासी गण भूतकच्छा व राकेश रावत सिरसोद थाना मानपुर घटना दिनांक से फरार चल रहे थे, जिनके ऊपर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शोपुर द्वारा प्रत्येक आरोपी पर 1,000 का इनाम घोषित किया गया था। आज दिनांक को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शोपुर श्री संपत उपाध्याय को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त आरोपीगण रघुनाथपुर में बाजार करने के लिए आ रहे। उक्त सूचना पर से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने थाना प्रभारी रघुनाथपुर नरेंद्र राजपूत को तुरंत कार्रवाई के लिए आदेशित किया, जिसके पालन में थाना प्रभारी रघुनाथपुर व उनकी टीम द्वारा उक्त आरोपी गणों को बस स्टैंड रघुनाथपुर से गिरफ्तार कर लिया गया व उनसे घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टरों को जब्त व चोरी किए गए खंभों को भी बरामद किया गया है। उक्त संपूर्ण कार्रवाई में उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह राजपूत, थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह, सहायक उप निरीक्षक जाहर सिंह, सहायक उप निरीक्षक आरपीएस गुर्जर, प्रधान आरक्षक 292 रमेश चंद्र आर, प्रधान आरक्षक 292 रमेश चंद्र, आरक्षक 464 रणधीर, आरक्षक 435 राजकुमार सराहनीय योगदान रहा। सर, आपने जो आज कार्रवाई की है, कितने लोगों पर कार्रवाई की है, किस कारण की है? देखिए, आज हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उक्त 5 लोग चोरी के एक प्रकरण में आरोपी थे। दिनांक 22 नवंबर 2019 की घटना है। फरियादी संजय आजाद एआरओ विद्युत मंडल रघुनाथपुर ने एक लिखित रिपोर्ट की थी कि उनका टर्रा कला फिल्टर के पास में शासकीय बिजली के खंभे डले हुए थे। वहां से 6 सीमेंटेड खंभे कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गए हैं और उन्होंने भूतकच्छा के निवासी जगमोहन रावत पर इस पर शक जताया था कि ये और इसके साथी खंभों को चोरी करके ले जा सकते हैं, क्योंकि लोगों को उस समय वहां पर देखा गया था आसपास। शक के आधार पर जब इन लोगों को पहले घटना के उसी टाइम पे 2 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी, तो उनसे खंभे बराबर कर लिए गए थे और इसने अपने अन्य 5 लोगों के पास अन्य साथियों के और भी नाम बताए थे। उक्त 5 साथी नवंबर से ही फरार चल रहे थे, जिन पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शोपुर द्वारा 1,000 रुपये के इनाम भी घोषित किए गए थे। उक्त सारे प्रकरण उस उक्त रिपोर्ट पर से थाना रघुनाथपुर में अपराध क्रमांक 75/19 धारा 379 और 136 विद्युत अधिनियम का दर्ज किया गया था। आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शोपुर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त प्रकरण के 5 आरोपी रघुनाथपुर में बाजार करने के लिए आ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने तुरंत मुझे कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था। उनके निर्देशन में व मार्गदर्शन में मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा उक्त 5 लोगों को रघुनाथपुर बाजार से पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने चोरी में जिन ट्रैक्टरों का इस्तेमाल हुआ था वो दोनों ट्रैक्टर, एक जोंडिया ट्रैक्टर और आईसर ट्रैक्टर, दोनों उनसे बरामद कर लिए और 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में भेज दिया है। जी सर, जहाँ से माननीय न्यायालय जेल भेज दिया है, 5 आरोपी अभी जेल में।